गाइस बैक अगेन माय नई वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स 020 फोन में पावर बटन से कॉल को एंड कैसे करें। गाइस आपके पास कोई भी कॉल आती है, ठीक है, आप जब कॉल को कट करना चाहते हो तो अपने फोन में डिस्प्ले पर स्लाइड करके, या फिर आप कॉल पे अगर बात करते हो तब कॉल को कट करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले पे क्लिक करके तब जाके कॉल को कट करते हो, ठीक है। बट मैं कुछ आपको सेटिंग बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी कॉल आ रही है, आप अगर अपने फोन में पावर बटन को एक सिंगल प्रेस करेंगे तो जो कॉल है गाइस वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। अगर आप कॉलिंग पे बात करते रहेंगे फिर भी आप अगर फिंगर पे अगर अपना फिंगर रखेंगे, ठीक है, तो कॉल गाइस ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, ठीक है। तो पावर बटन से कॉल को एंड कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको सेटिंग करके बिल्कुल बता रहा हूं। तो अब देखिए, आपको अपने फोन में फोन डायलर ओपन कर लेना है। फोन डायलर जब गाइस ओपन करेंगे आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करेंगे आपको देखिए अब करना क्या, एडवांस्ड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना। यहां पर क्लिक करना आपको मिलेगा, यहां पर 3 नंबर पे पावर बटन एंड कॉल का ऑप्शन है। अगर आपके फोन में सेटिंग डिसेबल है तो आप पावर बटन से कोई भी कॉल एंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि कट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने फोन में इसको इनेबल कर देंगे, आपके पास कोई भी कॉल आ रही है फिर अपने कॉलिंग पे बात करते रहेंगे, अगर आप सिंगल एक बार पावर बटन को प्रेस करेंगे तो कॉल गाइस ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इसी सेटिंग को इनेबल कर देना है। तो अगर आप भी अपने फोन में पावर बटन से कॉल को कट करना चाहते हैं, इस सेटिंग को इनेबल कर कॉल को कट कर सकते हैं पावर बटन से ही, ठीक है। गाइस तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।